कुछ नहीं पता, मेरा विश्वास कीजिए। इस प्राचीन पवित्र मंदिर में ऐसा पाप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं जी, मुझे ऐसी बातों से मत मारिए। भगवान की कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ इसलिए आई थी। एक बात मत भूलना बेटी, ये बात किसी को बताना नहीं, और वहाँ जाते समय कोई तुम्हें देखे नहीं, वरना शिवजी नाराज हो जाएंगे और तुम्हारे पति को ले जाएंगे। चुप क्यों हो गई तुम, बताओ। मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं बता सकती। भाई साहब, भाभी ने जाने अनजाने में गलती कर दी है, दूसरे लोगों के सामने पंचायत मत कीजिए, दिल बड़ा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। कोई गलती नहीं थी तब भी सीता माँ पर आरोप लग गए थे, श्री राम ने उन्हें जंगल भेज दिया था और अग्नि परीक्षा ली थी। इस गांव का मुखिया हूं मैं, 10 लोगों का न्याय करता हूं। इतनी बड़ी गलती करने वाले को अगर मैंने माफ कर दिया तो ये पूरे गांव के साथ अन्याय होगा। आदमी के जिंदा रहते अगर उसकी औरत गलती करे तो वो आदमी मुर्दे के बराबर है। नहीं, ऐसे मत बोलिए। वैश्या को हल्दी और कुमकुम का अधिकार नहीं है, वो फूल और कुमकुम मिटा दो। अगर तुम लोग मेरी इज्जत करते हो तो ये काम तुरंत करो। नहीं, नहीं चाहिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाथ थामने का वादा करके पति को धोखा देने वाली इस स्त्री के हाथ में चूड़ियां नहीं रहनी चाहिए। इसकी चूड़ियां तोड़ दो, तोड़ दो इसकी चूड़ियां। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझे मार दीजिए। आदमी को मार दिया, अब ये मंगलसूत्र किस काम का? मेरे जिंदा रहते हुए भी तू एक विधवा ही है, तुझ जैसी औरत की यही सजा होनी चाहिए। इस गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं, निकल जा यहाँ से। सुनिए भाभी, औरत को अपना अधिकार नहीं मांगना चाहिए, अपने मंगलसूत्र पर ध्यान रखना चाहिए, यही कहा था ना? अरे बिचारी, तुम्हारा तो मंगलसूत्र ही नहीं रहा, अब क्या होगा भाभी तुम्हारा? अब उससे क्या बात कर रही हो? आ रही हूँ भाई साहब। अगर सुबह होने तक तुम इस गांव में दिखी तो तुम्हें मेरी लाश दिखेगी, समझी? निकल जाओ। एक बात कहूँ, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। मैं क्या कह रही थी, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तुम नदी में कूद कर मर जाओ। आती हूँ भाभी। इस गुस्से में जाकर उन लोगों से बदला लोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अगर अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरे माथे का कलंक मिटाओ बेटा। उन्हीं गांव वालों के सामने तुम्हारी माँ को निर्दोष साबित करो। जिनके सामने मुझे कलंकित किया गया था उन्हीं के सामने मुझे निर्दोष साबित करो बेटा, ताकि मैं सुहागन बनकर तुम्हारे पिताजी की गोद में मर सकूं। ये सौभाग्य मुझे मिल जाए बेटा। ऐसा करोगे ना? करोगे ना? ये वादा करो बेटा। भाई साहब, आपकी राजकुमारी आई है, आज इसका जन्मदिन है ना? ये लीजिए अक्षत, इसे डालकर आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयु हो।
जब भगवान अभिषेक से खुश नहीं हुए तो क्या आंसुओं से खुश हो जाएंगे? मेरा दुख बांटने के लिए इनके अलावा और कौन है? मैं हूँ ना। उस दिन मैंने तुम्हें भाई बोलने के लिए कहा, वो मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। तुम और मैं एक ही माँ के कोख से जन्मे हुए हैं, इसीलिए उस दिन भगवान ने मेरे मुंह से ऐसा निकलवाया। भैया। हाँ बहन, हम दोनों एक ही माँ की औलाद हैं, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने तुम्हें माँ की ममता और पिता के प्यार से दूर कर दिया। भैया। रो मत, चुप हो जा। भैया, मुझे माँ को अभी देखना है, मुझे माँ के पास ले चलो। जरूर ले चलूंगा बहन, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें पिता और माँ का प्यार एक साथ मिलेगा, जब तक कि माँ के ऊपर लगा हुआ दाग नहीं मिट जाता, और वो दिन अब दूर नहीं। दामाद जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपकी माँ के बारे में सुनकर बहुत खुशी हो रही है। अब कहाँ है आपकी माँ, कैसी है? वो ठीक है मामा, पति के सामने सुहागन खड़े रहने की इच्छा ही उन्हें जिंदा रखे हुए है। तुम लोगों के इस हाल का कारण मैं ही हूँ बेटा। उस दिन भी मेरी आंखों के सामने अन्याय होता रहा और मैं अपनी पत्नी के खिलाफ आवाज उठाने की जरा सी हिम्मत ना कर सका। खानदान की बेटी को घर की कामवाली बना दिया। इस पाप के लिए और इस नाकामयाबी के लिए अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। ये समय एक दूसरे की गलती बताने का नहीं है मामा। इन सब का जो कारण है, पहले उसका घमंड तोड़ना होगा। माँ के ऊपर जो दाग लगे हो उसे मिटाना होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। इस वक्त कहां से घूम के आ रही है, बता मुझे, बता मुझे। कुछ बोले बगैर इधर उधर क्या देख रही है, पागल हो गई क्या? शमशान से। शमशान से? कौन मर गया जो उधर गई थी? मैं वही रहती हूँ। ये क्या, जबान में लगाम नहीं है? आलतू फालतू बातें की जा रही, बाल पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। उस दिन मुझ पर दाग लगा कर बाहर निकाल दिया था ना, फिर किस बहाने मुझे घर से निकालने की राह देख रही है? हाँ, ये कैसी आवाज है, कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, तुझे अभी तक याद नहीं आया राजेश्वरी? जानती है कौन हूँ? शांता देवी। जब तक जिंदा थी तेरा कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मर के तुझे सीधा करने आई हूँ। रुको, मुझे और मेरे बेटे को उनसे दूर करवा दिया तुमने, उन्हें दारू के नशे में धकेल दिया, और मेरी बेटी को नौकरानी से बदतर बनाकर उसे सता रही हो तुम। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है। मुझे मुझे माफ कर दो शांता माँ। और एक बार मेरी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया तो? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मेरा दिमाग खुल गया, कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी बेटी को फूलों की तरह रखूंगी मैं। हाँ शांता माँ, अगर जुबान से पलटी तो? नहीं पलटूंगी, भगवान की सौगंध। अरे लक्ष्मी बेटी, लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो, लक्ष्मी उठो बेटी, क्या हो गया लक्ष्मी? बेटी, बेटी, लक्ष्मी, क्या हुआ? बेटी तुम उठ गई हो बेटी, तुम लोग जाओ जाओ। मुझे बताओ बेटी, तुम इस तरह से बेहोश होके क्यों गिर गई? आओ आओ मेरे साथ आओ।